हाय फ्रेंड्स माय नेम इज समित मेहता एंड वेलकम टू वेल्थ किया दोस्तों मार्केट की रिसेंट पोजीशन में देखे तो कई सारे शेयर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया लेकिन नीचे भी काफ़ी जल्दी से आए तो आज हम जिस कंपनी के शेयर के बारे में रिव्यू करने वाले हैं वो एक लार्ज कैप कंपनी है कंपनी कई पीढ़ियों से और कई दशकों से मार्केट में है और कंपनी ने कॉन्स्टेंट रिटर्न दिया है अगर आप इस कंपनी का चार्ट देखेंगे तो एक सबसे बढ़िया चार्ट आपको दिखेगा जो कि मार्केट में कई सारे फॉल आए 2008 का 2020 का उसमें भी कंपनी का मार्केट वैल्यू और शेयर प्राइस इतनी नहीं गिरी जितनी बाकी कंपनियों की गिरी तो एक हेल्थी रिटर्न के लिए अगर आप एक सेफ स्टॉक की तलाश में है तो ये कंपनी डेफिनेटली रिकमेंडेड है और कंपनी ने काफ़ी सारे एक्सपांसन भी किए हैं और कंपनी ने कई सारे एक्विजिशन भी किए हैं और कंपनी इंडिया का एक जाना माना ब्रांड है और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी हमें दिखता है तो अगर आप ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसमें कि आपको फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न मिले और ज़्यादा कंपनी की प्राइस गिरे भी नहीं और अच्छा शेयर मार्केट का बेनिफिट भी मिल जाए तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है हम जानेंगे कंपनी की हिस्ट्री कंपनी ने कैसे अपना ग्रोथ किया एक्सपांसन किया फिर कुछ फंडामेंटल कंपनी के बारे में जानेंगे और कंपनी का चार्ट भी देखेंगे और आगे जानेंगे कि कंपनी फ्यूचर में क्या क्या कर सकती है और कौन से प्राइस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं यस फ्रेंड्स कंपनी का नाम है डाबर इंडिया लिमिटेड जो कि इंडिया का, का काफ़ी जाना माना नाम है सबसे पहले हम कंपनी का चार्ट ही देख लेते हैं तो पिछले एक दिनों का एक दिन का चार्ट देखे तो कंपनी माइनस फोर रुपये का रिटर्न दिया पाँच दिन में कंपनी टू परसेंट के आसपास नीचे शेयर मार्केट आया है और अगर हम एक महीने का चार्ट देखें तो कंपनी ने तीन परसेंट के आसपास पर रिटर्न दिया है छः महीने में ग्यारह परसेंट शेयर प्राइस अप हुई है ईयरली बेसिस पे देखें तो बारह परसेंट के हिसाब से कंपनी ने रिटर्न दिया है जबकि पिछले पाँच सालों में कंपनी ने एक सौ बारह परसेंट का रिटर्न दिया है जबकि हम कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख ले ये कंपनी का ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है तो टू से लेके अभी टू चल रहा है तो ट्वेंटी ईयर में ट्वेंटी 2,358 परसेंट का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है लेकिन चार्ट पैटर्न हम देखें तो कांस्टेंट है ना ही बड़ी गिरावट दिखती है और कांस्टेंट और स्टेडी ग्रोथ दिखता है तो डेफिनेटली ये फिक्स डिपॉजिट से अच्छा रिटर्न है और मार्केट की गिरावट में भी एक अच्छा सपोर्ट है तो दोस्तों आइए अब हम कंपनी के फंडामेंटल बारे में जान लेते हैं कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जानें तो 1884 में ये कंपनी की शुरुआत हुई थी और डॉक्टर एस के बर्मन ने कंपनी का शुरुआत की थी लॉन्चिज हिज मिशन टू मेक अ हेल्थ केयर प्रोडक्ट इन कलकत्ता कलकत्ता बेस्ड शुरुआत में ये कंपनी थी और 1884 में डॉक्टर एस के बर्मन ने इसकी स्थापना की थी जबकि 1896 में कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पहला लगाया था विद ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ डाबर प्रोडक्ट डॉक्टर बर्मन एक्सपांड ऑपरेशन बाई सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर मास प्रोडक्शन 1896 में शुरुआत में जब भी लोगों को ये डाबर के जो भी प्रोडक्ट थी वो अच्छी लगने लगी तो डॉक्टर एस के बर्मन ने कंपनी को आगे बढ़ाने का सोचा और पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जबकि 1936 में डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गई डाबर बिकेम अ फुल फ्लेज कंपनी इन नाइनटीन थर्टी में कंपनी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया और डाबर्स ऑपरेशन शिफ्टेड टू दिल्ली ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज सेटअप इट्स टेम्पररी प्रीमाइस फरीदाबाद 1972 में फ़रीदाबाद में टेम्पररी प्लांट में कंपनी के एक्सपांसन किए गए 1979 में देखें तो फरीदाबाद फैक्ट्री डाबर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कमर्शियली प्रोडक्शन स्टार्ट किया कंपनी ने 1979 में और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बेस्ट इक्विप्ड प्रोडक्शन फैसिलिटी फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन नाइनटीन तक हो चुकी थी नाइनटीन में कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई और डाबर बीकेम पब्लिक लिमिटेड कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड आफ्टर रिवर्स मर्जर विदोगम लिमिटेड इसके बाद 1993 में इन्होंने कुछ कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर भी अपना काम शुरू किया और डाबर इंटर स्पेशलाइज हेल्थ केयर एरिया ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट विथ इट्स ऑन्कोलॉजी फॉरमेशन प्लांट एट बादी हिमाचल प्रदेश में 1994 में दोस्तों इस कंपनी का आई आया था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी लिस्ट हुई थी और उस टाइम कंपनी का आई 21 ओ परसेंट ट्वेंटी गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था तो ये उस टाइम पे भी कंपनी की डिमांड देखी जा सकती है क्योंकि उस टाइम पर आई इतने ज़्यादा जो रिसेंटली सब्सक्राइब होते हैं उतने नहीं होते थे तो ट्वेंटी टाइम काफ़ी अच्छा गिना जाता था नाइन्टीन में कंपनी ने अपने जो भी डिवीजन थे उनको सेपरेट किया जिसमें हेल्थ केयर प्रोडक्ट डिवीजन एंड फैमिली प्रोडक्ट डिवीजन एंड डाबर आयुर्वेदिक स्पेशलिटी लिमिटेड को अलग अलग करवाया नाइन्टी 98 में देखे तो प्रोफेशनली मैनेज कंपनी हुई यानी कि जो पहले कारोबार कंपनी का फैमिली के पास था उस उसमें अब प्रोफेशनल लोगों को भी एंट्री दी गई और पहले सीईओ को नियुक्त किया गया यार 2000 आते आते कंपनी ने 1000 करोड़ का टर्नओवर का मार्क क्रॉस कर लिया था और From a small beginning and upholding the value of founder Dabur, now enters August league of the large corporate business. 2013 में कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन uh, 5 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर गया तो ये थी कंपनी की कुछ हिस्ट्री uh, तो कंपनी का हिस्ट्री में कंपनी ने कई सारे एक्विजिशन भी किए हैं कंपनी ने बोनस भी कई बार दिए हैं कंपनी का शेयर स्प्लिट भी हुआ है तो जिन लोगों ने 1994 में कंपनी में इन्वेस्ट किया था उनको एक अच्छा और स्टेडी रिटर्न भी मिला है और उनकी रिस्क भी काफ़ी कम रही है अब रिसेंट पोजीशन में देखें तो डाबर इंडिया लिमिटेड इज़ वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एफ कंपनी विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन वन लाख करोड़ बिल्डिंग ऑन अ लीगसी ऑफ क्वान्टिटी एक्सपीरियंस ओवर अ ईयर डाबर इज़ टुडे इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड नेम एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आयुर्वेदिक एंड नेचुरल हेल्थ केयर कंपनी रिसेंटली कंपनी कई सारे सेगमेंट में एंटर कर चुकी है तो ये थी कंपनी की हिस्ट्री और फ्यूचर ग्रोथ प्रो, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अगर हम देखें तो भी अच्छे दिखते हैं क्योंकि एफ एम सी जी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर आप एक्सपांसन करते हैं नए नए ब्रांड लाते हैं तो आपका फ्यूचर ग्रोथ ग्रोथ डेफिनेटली हो सकता है कंपनी के कुछ प्रोडक्ट के बारे में देखें तो दोस्तों हेयर ऑयल में इनके जाने माने ब्रांड है आमला वाटिका आलमंड अनमोल गोल्ड कोकोनट ऑयल जैसे ब्रांड हमने बाजार में देखे है जबकि ओरल केयर में देखें तो डाबर रेड पेस्ट मेस्वाक बबूल लाल दंतमंजन ऐसे कई सारे हमें टूथपेस्ट के ब्रांड भी डाबर के दिखते हैं इसके अलावा शैम्पू में देखें तो डाबर आलमंड शैम्पू वाटिका शैम्पू वाटिका साइन जैसे वाटिका ब्रांड से उनके कई सारे फेमस ब्रांड आते हैं इसके अलावा डाइजेस्टिव सेक्टर और जो भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती है उसमें डाबर के कई सारे प्रोडक्ट है जिसमें फेमस प्रोडक्ट हम गिने तो डाबर हाजमोला पुदीनहरा नेचुरल केयर जैसे प्रोडक्ट है इसके अलावा हेल्थ केयर में डाबर च्यवनप्रास फेमस ब्रांड है डाबर का इसके अलावा डाबर ग्लूकोज डाबर इम्यूनिटी किट डाबर वैदिक सुरक्षा टी ऐसे सारे ब्रांड भी है होम केयर में भी ओडोमोस ओडोनिल सेनीफ्रेस और ओडोपिक ऐसी कुछ ब्रांड है जिसने अपनी खुद की पहचान भी बनाई है इसके अलावा भी डाबर ने कई सारी ब्रांड में डाबर काम करता है और फेमस ब्रांड और रिनाउंड ब्रांड भी है अब हम आ जाते हैं कि कंपनी की होल्डिंग कैसी है तो कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले कुल कुछ टाइम से सिक्सटी सेवन पॉइंट थ्री सिक्स कॉन्स्टेंट बनी हुई है लेकिन जो अच्छी बात है वो है एफ ने पिछले सितंबर में जो कि 18 परसेंट के आसपास होल्डिंग थी वो बढ़कर 21 परसेंट हो गई है डी की होल्डिंग 3.41 परसेंट के आसपास है और पब्लिक के पास मुश्किल से 8 परसेंट शेयर है जितना भी पब्लिक की होल्डिंग कम होगी उतनी शेयर में वोलेटालिटी कम होगी और मैन्यूपलेट से शेयर प्राइस को उतना ही कम किया जा सकता है तो ये जो कंपनी की होल्डिंग देखे तो उससे ये शेयर काफ़ी स्टेबल लगता है कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में कुछ देख ले तो कंपनी पॉइंट सेवन नाइन परसेंट की डिविडेंड रिल्ड भी है पी रेशियो फिफ्टी नाइन का है जो कि काफ़ी थोड़ा महंगा हमें लग रहा है लेकिन अगर उसकी पीयर कंपैरिजन देखें तो एच और बाकी एफ एम कंपनियों के हिसाब से उसके आसपास ही दिखता है जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से चौदह परसेंट के आसपास दिखाई देता है कंपनी की मार्केट कभी एक लाख करोड़ से ऊपर हो चुकी है और कंपनी के पास सात हज़ार चार सौ छियासी करोड़ के रिजर्व है लेकिन रिजर्व के साथ हमें यह भी देखना है कि कंपनी का ज़्यादातर बिजनेस एफ है तो कंपनी के पास एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री भी होगी और कंपनी ने इन्वेंट्री में भी अपना कई सारे रिजर्व लगा रखे हैं इसके अलावा कंपनी के डेप्थ देखें तो बिल्कुल ही पॉइंट जीरो सिक्स नेगेलिजिबल है और कंपनी में प्लेज ज़ीरो है तो पी रेशियो और प्राइस टू तो बुक वैल्यू के हिसाब से हम देखें तो कंपनी की शेयर प्राइस अभी थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं है और इन्वेस्टमेंट नया करना चाहते हैं तो थोड़ी वेट एंड वॉच की स्थिति में आप रहिए और अगर आप अभी से शुरू करना चाहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट फाइव पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और एक पार्ट एक पार्ट इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और जब भी गिरावट आए तो गिरावट में शेयर को एक्यूमुलेट कीजिए इसके अलावा जो ये कंपनी के फाइनेंशियल है कंपनी की वेबसाइट के ऊपर दिखाए गए हैं जिसमें 2011 से 2020 तक के फाइनेंशियल दिए गए हैं तो कंपनी के रेवेन्यू ऑपरेशन दिए गए हैं जो कि 2011 से 20 में 4,100 करोड़ से 8,700 करोड़ तक हो चुके हैं जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 800 करोड़ से सत्रह करोड़ हो चुका था जबकि पैट हम देखे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो वो 2011 में फाइव सिक्सटी नाइन करोड़ था वहाँ से बढ़कर तीन गुना यानी कि चौदह सौ पैंतालीस करोड़ के आसपास हो चुका है इसी तरह अगर हम पेट मार्जिन देखें तो वह तेरह चौदह परसेंट के पास टू थाउजेंड इलेवन में थे वो बढ़ के सोलह सत्रह परसेंट के आसपास आ गए हैं तो कंपनी का ग्रोथ अगर हम दोस्तों देखें तो ऐसे नहीं है कि बहुत सारी उछल कूद कर दी एक स्टेडी ग्रोथ और कांस्टेंट ग्रोथ कंपनी में दिख रहा है वही उसकी चार्ट पैटर्न पे भी दिख रहा है और कंपनी की शेयर प्राइस में भी दिख रहा है तो दोस्तों अगर आप ऐसी सेफ़ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलने के पूरे चांसेस हैं और मार्केट की वॉलेटालिटी को भी यह शेयर झेल सकता है इसके अलावा दोस्तों डिस्क्लोज़र है कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट इज़ रिस्की सो इन्वेस्ट आफ्टर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड इन्वेस्ट ओनली इफ़ योर गोल इज़ फाइव टू टेन ईयर ऑल एंड ऑल्सो इन्वेस्ट दिस मनी विच यू नॉट नीड इन नियर फ्यूचर दिस इज़ ओनली वीडियो फॉर एजुकेशनल purpose, नॉट अ रेकमेंडेशन तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स कीजिए शेयर कीजिए और डाबर के बारे में अगर और कोई जानकारी हो आपको जो कि इन्वेस्टर को जाननी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में बा...